अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मैथमेटिक्स टीचर सामना यूसुफ फ्रॉम द एजुकेटर स्कूल कैंपस। जी स्टूडेंट, हम लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर फिनिश आउट किया था एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस था, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि उन दोनों में डिफरेंट फॉर्मूला यूज होने हैं और वो दोनों डिफरेंट ऐसे फॉर्मूला थे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में हम सॉल्व करते थे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट इसी से ऑनवर्ड क्वेश्चन है जो हम अपने आगे नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास बोर्ड में लो क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से, ठीक है। जो क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं बहुत इजी टू इजीएस्ट है, ठीक है, अगर आप अच्छे से समझेंगे। जी स्टूडेंट, हम क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। काम हमारे पास आज एक्सरसाइज 4.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये अप टू 3 to 6 क्वेश्चन तीनों से हैं, तीनों में से हमारे पास क्वेश्चन में एक ये वैल्यू गिवन थी m प्लस n प्लस
और होल का स्क्वायर, इधर से 10 का निकाल देगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है इज इक्वल के बाद m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो अपने क्वेश्चन में देखते हैं ये तो हमें फाइंड आउट करना है, अगर फाइंड आउट करना है डैश है उसकी कोई वैल्यू नहीं गिवन है हमारे पास, तो हम उस पूरे के पूरे फॉर्मेट को वैसे का वैसे एज इट इज लिख देंगे। आगे देखें प्लस 2 तो प्लस 2 लिखा गया। अब नेक्स्ट मेरे पास है m n प्लस n p प्लस n p। बच्चे इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन थी 27, तो बच्चे इसकी जगह भी हमने पुट कर दिया 27 ब्रैकेट में। समझ आ गया सबको ठीक है। अब देखिए बच्चे अब हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे उसको सिंपलीफाई करेंगे 10 का स्क्वायर 100 ठीक है। आगे ये फॉर्मेट वैसे का वैसे प्लस 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 54 ठीक है। अब देखिए बच्चे अब हमने जब ये इस साइड पे आएगा तो क्या होता है
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि 6 इज इक्वल टू ये पूरी टर्म हम इसको इंप्लाइज डायरेक्ट करके क्या लिख सकते हैं ab plus bc plus ca is equal to 6 so that is answer. तो बच्चे ये थी हमारी एग्जांपल जो कि हमने कंप्लीट कर ली. बहुत इजी है ये, बहुत इजी क्वेश्चंस है और लॉन्ग क्वेश्चन याद रखते हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चे जरा, बस इसलिए हमारे पास मेन हमारे पास क्या टर्म है कि आपने इनके फॉर्मूलाज को अपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. और दूसरी बात, आपको इनके रिलेशन का पता होना चाहिए कि मूव करने हैं इनके नंबर्स को, तो अगर रिलेशन ही आपको नहीं पता तो फिर आप गलत कर सकते. यहाँ पे लिखा नाउ 5x माइनस
5x का होल क्यूब आया है, फिर माइनस है तो माइनस आया है, फिर 6y का क्यूब 6y का क्यूब आया है, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस 3 फॉर्मूले का, ठीक है, जैसे मैंने वहां पे सिखाया था आपको, फिर 5x मल्टीप्लाई 6y, सो 5x मल्टीप्लाई 6y ये मल्टीप्लिकेशन टर्म बन गई है। उसके बाद क्या सिखाया था मैंने, पूरे की पूरी ब्रैकेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, सो 5x माइनस 6y मैंने पूरी की पूरी ब्रैकेट ली थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा इक्वल टू मेरे पास बचे 13 का क्यूब क्या ओपन हो गया, 13 का क्यूब हमारे पास ओपन हो गया है 2197। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, और वैसे भी आपको पता है कि अगर किसी टर्म का क्यूब आ गया है तो उसका मतलब है कि उस टर्म को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास क्या है, अब आपके फॉर्मूले को तो हमने अप्लाई कर दिया, अब हम ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट, 5x का होल क्यूब, 5 का क्यूब 125, इक्वल टू 6। ये देखने से तो आपको खतरनाक
लास्ट में जाके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है क्योंकि वहां तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, यहां पे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखिए जरा, हमें सिर्फ ये पैटर्न गिवन है, मतलब 5x - 1 / 5x की वैल्यू से क्या की है हमें गिवन की है, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया, ये टर्म हमें गिवन होता है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें सिर्फ एक टर्म बस, अब हमें फाइंड आउट करना है 125x³ - 1/125x³ दिस वन। तो हमने इस टर्म को स्टूडेंट्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मैं रेस कर देती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने आपको जिस के लिए बताया है कि आप वहां पे इस टाइप यूज कर सकते हैं यूजिंग, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब हमने मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए आपका जो फाइंड आउट है उसमें एक्स के ऊपर क्यूब आए हुए हैं, दैट्स मीन हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें इसमें फॉर्मूला यूज करना है क्यूब का, और वो भी सेंटर में माइनस है तो माइनस का। आप मेंशन करो पहले जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने लिख दिया यूजिंग फॉर्मूला, तो यूजिंग फॉर्मूला हम कौन सा देने लगे हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब देखे मुझे पहले ए का क्यूब फिर कैसे सिखाया था, माइनस है तो माइनस, बी का क्यूब बी क्यूब माइनस थ्री फॉर्मूले का, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई ए बी, उसके बाद ये पूरी ब्रैकेट ए माइनस बी, यहाँ पर कोई पार्ट नहीं आता है, ठीक है। अच्छा अब मैंने फॉर्मूला पहले पैटर्न अप्लाई किया, अब एक चीज मेरे पास गिवन है, मैंने उसको नीचे टेक आउट कर दिया, जैसे कि आपकी है या आप देख सकते हो नाउ टेक, ठीक हो गया बच्चे कि हमने ये टर्म को टेक आउट किया जी स्टूडेंट। अब मेरे पास 5x माइनस 1 बाय 5x इज इक्वल टू 6 ये टर्म गिवन आउट है, ठीक है। अब हमने इसके दोनों साइड पे क्या देना है, ये हमने अभी ऊपर फॉर्मूला भी मेंशन किया है, अब हमें फाइंड आउट भी देख सकते हैं, तो हमने ये टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड इसको देखते हो, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड पे क्यूब ले लिया, देखिए इस साइड पे भी इसका होल क्यूब लगाया था, पहले मेंशन किया था इज इक्वल टू मैंने 6 का भी होल क्यूब लगाया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये अप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया ये देखना रिस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग, और कैसे सिखाया मैंने आपको बच्चे, पहले 5x है तो 5x का क्यूब, फिर माइनस है तो माइनस, फिर सेकंड टर्म क्यूब दैट इज 1/5x का होल क्यूब, ठीक हो गया। अब देखिए आगे माइनस है तो माइनस से इसकी फॉर्मूले का आएगा, और फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, दैट मींस 5x मल्टीप्लाई 1/5x, तो ए की जगह पे जो मर्जी आ रही है, आपने पैटर्न जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे कैसे अप्लाई करना है, पहले फर्स्ट 5x का क्यूब, फिर सेकंड का क्यूब, फिर माइनस 3 को मिलेगा, फिर फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या हमें करना है, इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को मेंशन करना है, मतलब 5x माइनस 1/5x पर इज इक्वल टू, हां जी मतलब 6 का क्यूब क्या आ गया हमारे पास 216, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर, अब नेक्स्ट हम इसको ओपन करते हैं, तो हमने फॉर्मूले की एप्लीकेशन कर दी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 5 का क्यूब आ जाएगा 125, x का क्यूब आ जाएगा x³ माइनस 1 का क्यूब आएगा 1, 5 का क्यूब आएगा 125, x का क्यूब आएगा x³, ठीक है, कोई भी टर्म आपने स्किप नहीं करनी जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए बच्चे माइनस 3x, लेकिन अब आप देखिए ये 5x इसके साथ कैंसिल, अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर ये भी तो सेम थे ना, तो ये क्यों नहीं कैंसिल आउट हुए। बच्चे कल का लेक्चर याद करें जरा, उसमें मैंने हमने कैंसिलेशन की थी, और उस कैंसिलेशन में मैंने आपको सिखाया था कि आपस में कैंसिलेशन नंबर्स की तब होती है जब उनका रिलेशन
5x - 1/5x = 6 कि आपके पास 5x - 1/5x की वैल्यू है 6 और आप उसको वहां पे यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो 3 एज इट इज, 5x - 1/5x की जगह पे 6 आ गया और इज इक्वल टू 216 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जरा, अब हमारे पास नेक्स्ट की पूरी टर्म एज इट इज आ गई, -3 6 = 18, 216 एज इट इज। अब बच्चों ये अब हमें वैल्यू चाहिए कितनी, मतलब जो हमने अपना फाइंड आउट करना है ना उसको देखते हैं, हमें कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, मतलब कितना पैटर्न हमें चाहिए। एक्स्ट्रा कौन सा आ गया ये टर्म, अब इसको हम दूसरे साइड पे मूव करेंगे। तो बच्चे देखिए जरा, ये पूरी टर्म एज इट इज आ गई, ये माइनस है, दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस है। और जब हमने बच्चे इन दोनों को प्लस किया तो 216 के 18 प्लस करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 234। सो दैट इज आंसर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट ये भी हमारे पास बच्चे एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब हमारे पास नेक्स्ट हम अपने एक्सरसाइज को फिनिश आउट करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अब फिर आगे हमारे पास फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइज करने हैं हमने। अभी हमने क्यूब, क्यूब के लिए दो फॉर्मूला थे, मैं आपको यहां मेंशन करके बता देती हूं जरा, क्यूब के फॉर्मूला जो है, फॉर्मूलास ऑफ क्यूब, जी बच्चे कौन से हैं, अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी फॉर्मूले का, फिर a को b से मल्टीप्लाई किया a दी, उसके बाद पूरी की पूरी ब्रैकेट a, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आता है तो आगे सब के साथ क्या आ जाना है, माइनस। ठीक हो गया, तो ये दो फॉर्मूला कर दिया आपके पास, प्लस के साथ बी सी किसी में कवर हो गया, माइनस के साथ बी सी में कवर हो गया। ये
होल की बना दी, ठीक है। उसके बाद फिर हम वहां पे सिखाया कि ये जो ऊपर वाले ट्यूब है इनको स्किप कर देते हैं और क्या टेक आउट करते हैं बच्चे, 2x-1/3 जो नीचे वाली टर्म होती है उनको नीचे टेक आउट करते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए मैंने इसको ले लिया, अब मैं इसको फॉलो करते हुए अपनी नेक्स्ट वेक्टर बनाऊं। कैसे सिखाया था मैंने बच्चे, पहली टर्म 2x है तो उसका स्क्वायर देखें, 2x का होल स्क्वायर, वहां तो हम बहुत इजी है, हमने a स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन यहां पे एक नंबर है ना, नंबर का स्क्वायर बन रहा है कुछ निकलेगा, तो इसलिए मैंने इसका 2x का होल स्क्वायर लगाया। अब मैंने आपको सिखाया था कि यहां माइनस है तो आगे क्या आएगा, प्लस, अगर यहां प्लस है तो आगे माइनस, तो माइनस है तो आगे प्लस आ गया। फिर आपको वहां सिखाया a को b से मल्टीप्लाई है, मतलब फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 2x को आपने मल्टीप्लाई किया 1/3y के साथ, 2x मल्टीप्लाई 1/3y, और यहां पर हमेशा प्लस रहता है क्योंकि स्केलिंग टर्म के साथ हमेशा प्लस रहता है। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट टर्म आएगा 1/3y का स्केल आ गया, उस फॉर्मूले की बॉडी आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने मेंशन किया, आपके पास a की जगह 2x आया, b की जगह 1/3y, आप यहां पर वैल्यू पुट कर, a की जगह पे 2x पुट कर दो, यहां पे b की जगह पे 1/3y पुट कर दो, आपका ये पैटर्न बन जाए। इन केस अगर आपको पैटर्न नहीं याद रहता तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप एक फॉर्मूला याद कर लो उसके बाद वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास लास्ट है, देखिए बच्चे 2x-1/3y ऐसे भी नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाए, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होते हैं, अब देखिए 4 अगर 3 से मल्टीप्लाई होते हैं आप पहले देख देते हो, लेकिन अगर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, तो ये तो नहीं है कि आप 4 को 1 से भी करना है, 4 को 3 से भी करना है, बिल्कुल भी नहीं। 4 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो बच्चे आपने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है। 4 को 1 से किया 4 और 3 को 1 से किया 3, तो इस तरह यहां पे आ गया, मतलब इसका न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2x 1 का 2x, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो 3y 1 का 3y, ठीक है, याद रख लो क्या आपको। अब देखिए प्लस है, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3y का होल स्क्वायर क्या बना हुआ है 9y स्क्वायर, और दैट